हेलो, आदाब, नमस्ते, सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोनिस, आप लोग मुझे बखूबी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। हम लोग इस टाइम दिल्ली में हैं और मैं अपनी बहन राबिया के लिए इस टाइम आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ। आप लोगों से बहुत ज़्यादा मदद की गुहार करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और आप लोगों को पता है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप हर चीज़ से मुखातिब हो, हर चीज़ आपको पता है, बेहतर तरीके से आप जानते हो। सब परिवार वाले परेशान हैं जो बहन के साथ हुआ। अभी तक आपने मीडिया से सुना और मीडिया से देखा सब काम। अब मुझे मजबूरन लाइव आना पड़ रहा है। लाइव इसलिए आना पड़ रहा है कि मेरे साथ में मामा मामी मेरे हैं, वो मेरी मेरी बहन थी राबिया, और मैं ही उसका सब कुछ करने वाला हूँ इस वक्त, ठीक है। क्योंकि घर में इनका बेटा या बेटी इस काबिल नहीं है। जो कमाने वाली थी, घर का सब कुछ गुजारा करने वाली थी, वो राबिया थी। अभी 4 महीने उसकी जॉब पर हुए, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके साथ जो लोगों ने किया, इतना घिनौना अपराध किया, उसके साथ कुछ लोग उसमें शामिल हैं, साजिश है। और ये एक छोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। लोगों को लगता है कि हम मतलब सच नहीं बता पा रहे हैं। मैं आपको आज पूरा खुल कर सच बताऊंगा और यहाँ पे बताऊंगा। इसकी बताने की वजह है क्योंकि लोग गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को भी, पुलिस वाले भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम अगर जाते हैं सूरजकुंड थाना, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा वाले कहते हैं कि आप यहाँ आओ दिल्ली, दिल्ली वाले कहते हैं कि हम इसकी तहरीर नहीं लिख सकते क्योंकि ये हरियाणा लास्ट जो मिली है वो हरियाणा में मिली है। अब हम परेशान इस बात को लेकर के कि हम हरियाणा जाएँ या दिल्ली जाएँ। हरियाणा सरकार भी हमारे साथ नहीं है, दिल्ली सरकार भी हमारे साथ नहीं है। आप लोग हमारे साथ हो, साथ दे रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग न्याय भी दिलाओगे, न्याय मिलेगा। लेकिन बात यहाँ आती है कि हम करें तो करेंगे, ठीक है, हमें कहीं भी तरीके की। मामा मामी इतने परेशान हैं कि इनका कहना है कि जो राष्ट्रपति जी हैं या तो इनका साथ दें, साथ नहीं दे सकते तो उनको इच्छा मृत्यु, ठीक है। हम लोगों को इच्छा मृत्यु, अपनी मर्जी से मरने की इजाज़त दें, ठीक है। क्योंकि कानून के दायरे में रह के हम सब कुछ चाहते हैं, हम खुद को भी करेंगे। संगम बिहार में इस वक्त हम प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। अगर जो भी लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, संगम बिहार पहुँचें। हमारे पास कॉलें आ रही हैं। रात एक हम बैठे थे, एक व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, सभी लोग घर पर आए थे मिलने के लिए, तो आम आदमी पार्टी के भी नेता लोग कुछ आए थे। आने के बाद में वो आश्वासन दे के चले गए। उसके बाद कुछ वकील साहब, वकील लोग बैठे थे, एडवोकेट, उनके बीच में एक आदमी आता है जो अपने आप को DM कार्यालय का बताता है। अरे, लड़की जिस जगह वर्क करती थी वहीं से वो आदमी आता है, व्यक्ति आता है, DM कार्यालय का बताता है। और उस व्यक्ति को बताने के बाद, उसकी वीडियो क्लिप भी है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसकी वीडियो क्लिप है। जब उसको पकड़ा गया, वो पकड़ के वो डायरेक्ट बोलता है कि मुझे DM साहब ने भेजा, अफसरों ने भेजा, हाँ मुझे अफसरों ने भेजा है। मैं CBI का, मतलब ब्रांच का, CBI नहीं, माफ कीजिए, CBI नहीं, मतलब मैं स्पेशल क्राइम ब्रांच से हूँ, ठीक है। CBI को बदनाम करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस का आदमी था या कुछ भी था, उन लोगों को बदनाम करने के लिए वो उसको भेजा गया, ठीक है, यहाँ आया। अब वो हम लोगों को मारने के लिए आया था, इनको मारने के लिए आया था, अकेला देखे क्या पता मार देता, जान से मार देता, कुछ भी कर सकता था। तो हम लोगों का तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। सरकार और वो लोग जिन्होंने ये सब किया है, वो लोग मारने के लिए भी भेज रहे हैं। तो मतलब एक चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि इसे केस को उलझाया जा रहा है। जैसे बड़े लेवल तक के लोग, जहाँ लड़की काम करती थी DM कार्यालय में, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस हमारा मुकदमा नहीं लिख रही है, दिल्ली पुलिस हमारा मुकदमा लिखे, अगर आप लोग चाहें तो ये हो सकता है। सब चैनल वाले आ रहे हैं रोज़, एक ही सवाल, कैसे हुआ, कैसे हुआ, सबको मालूम है कैसे हुआ है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आज आपको बता देता हूँ, पूरी तरह से पूरी बात बताऊँगा। मम्मी पापा यहाँ शामिल है, सब बात मैं पूछूंगा। एक रिपोर्टर की तरह आज मैं अपने माँ बाप से बात करूंगा। मेरे माँ बाप हैं, वो मेरी छोटी बहन थी। उसके बाद में अपना दिल पक्का करके, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के, मैं सब बात आपको सच बताऊंगा जो भी थी। क्योंकि सर, बदनाम करने के लिए आप लोग सब देख रहे हो, बदनाम करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई, यकीन मानिएगा मेरी बहन थी। जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुसल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहाँ पे नहलाने वाली जो लेडीज़ थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज़ ने जब वहाँ पे देखा, खुद उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहाँ थे मौजूद, मेरी माँ, मेरी अम्मी, मेरी वहाँ मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहाँ पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊँगा जो भी चीज़ है। उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया था मुँह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया, ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट दिया, पूरी गर्दन अलग थी, ठीक। उसके यहाँ पर, इस जगह,
चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी, ठीक है। पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से, ठीक है। जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे, मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीतरी होगी, आप लोग खुद देखिए क्या इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए, 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है, ठीक है। अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है, लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के वहां से आई वो कहानी नहीं रही है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम बिहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है, आते हैं रोटियाँ सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो शादीशुदा थी, उसको बदनाम करने के लिए सब किया गया, ठीक है। लेकिन उस लड़के ने कहा कि वो मेरी पत्नी थी, उसके अलावा उसका गैंग रेप क्यों हुआ अगर पत्नी थी तो, ठीक, अगर करा तो इतनी बुरी तरह से किया जाएगा, उसके अंगों को काटा जाएगा, प्राइवेट पार्ट्स को आप लोग खुद देखिए, कम से कम 50 जगह, यकीन मानिए 50 से ज़्यादा जगह उसके। देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ है, कुछ भी हो जाए उसको नफ्स नाबूद शरीर को ख़त्म तो नहीं किया गया है ना, शरीर आज भी मौजूद है, कब्र के अंदर मौजूद है, यकीन मानिए। आप अगर अल्लाह माफ़ करे बस उसके साथ जो हुआ सो हुआ, अगर आपको लोगों को सच ही पहुँचाना है और मुझे न्याय चाहिए, उसको फांसी तक पहुँचाओ, तो कब्र के अंदर से भी शरीर निकलवाने के लिए मैं तैयार हूँ, गुनाह मिलेगा गुनाह नहीं, लेकिन उस लड़की को न्याय मिलेगा। कब्र के अंदर से भी निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सामने सच आ जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। हो सकता है DNA रिपोर्ट या कुछ भी किसी तरीके की रिपोर्ट चेंज की जा सकती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो आप लोग हमारी मदद करें जितना हो सके। वकील हम हायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग वकील जो भी हैं जहां मौजूद हैं वो लोग वहां से इस केस को अपनी पैर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं दे दूंगा। लेकिन मैं एक गुहार चाहता हूं कि जो इस केस में वकील एडवोकेट हम चाहते हैं, वो हम ये चाहते हैं, जो हम एडवोकेट चाहते हैं वो ये चाहते हैं, निर्भया 2012 में जो निर्भया का केस जिन वकील साहिबा ने लड़ा था, मैं उनसे गुहार करता हूँ, आस लगाता हूँ कि वो लोग, वो वकील साहिबा आए, वो एडवोकेट आए और वो हमारे इस केस को लड़ने की कृपा करें। देखिए इतने मजदूर, मतलब इतने मामा मामी मेरे इतने अमीर नहीं हैं, इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो किसी चीज़ को कर सके या कुछ, मतलब इतना ज़्यादा हायर कर सके, पैसा इनके पास नहीं है, लड़की कमाने वाली थी जो थी, लेकिन तन मन धन से हम लड़ेंगे। हमें अगर एक एक रुपया इकट्ठा करना पड़े, मैं आप लोगों से भीख मांगूंगा, मैं आप लोगों से गुहार लगाऊंगा, एक एक रुपये की भी गुहार अगर मुझे लगानी पड़ी तो मैं आप लोगों से भीख मांगूंगा, लेकिन वकील की फ़ीस मैं दूंगा, मैं वकील की फ़ीस अंत तक दूंगा। मैं किसी वकील को ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि वो फ्री लड़े, नहीं लड़े, मैं उनकी जो उनका पैसा है, जो वो प्रोफेशनल है और जिन्होंने मतलब जिस प्रोफेशन के नाम से वो जाने जाते हैं, मैं उनकी जो फीस बनती है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, जैसे भी मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को अगर बेचना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मेरी बहन का केस लड़ने की कृपा करें। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो वकील साहब आए और हम लोगों का केस लड़ें। सच्चाई आपके रूबरू है, मेरी बहन के साथ जो हुआ, देखिए वर्दी में वो थी, जब वो गई ड्यूटी से वर्दी में थी, वाह खुदा, आप वर्दी वाले ही सेफ नहीं है तो कौन सेफ होगा। डिफेंस, दिल्ली डिफेंस तो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, किसी तो अंडर में नहीं आती है, डिफेंस की जाँच होनी चाहिए। अभी तक केजरीवाल जी यहाँ तक नहीं आए हैं। केजरीवाल जी, ये केस हुआ है 26-27 तारीख को, मैंने ट्वीट किया केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सभी को मैंने ट्वीट किया। 27 तारीख तक ट्वीट उनके पास पहुँच चुका था, सब कुछ पहुँच चुका था, लोगों तक खबर भी पहुँचने लगी थी, लेकिन 28 तारीख को केजरीवाल जी मौन धारण रख लेते हैं या 10 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केस ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जब तक वो आएंगे तब तक, क्योंकि मुझे पता है कि इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अब आप इनसे पूछ सकते हो जो भी, मतलब ये है, अपने हिसाब से बता देंगे, अपने तरीके से बताएंगे कि हाँ मतलब क्या चाहते हो आप लोग, आप मुझे सच बता दो कि चाहते क्या हो। हम ये चाहते हैं कि न्याय चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जहाँ जाते हैं हमें गुमराह करा जा रहा है, और जो जितनी पब्लिक आती है, नेता लोग आ रहे हैं, रोटी सेक कर चले जाएंगे, ये तो हम अकेले पड़ गए हैं, हमारी सहायता करें।
सब लोग मिलकर हमारी सेवा करें और इस पे जोर दें इसको। हम गरीब आदमी है, हमारी बेटी थी ये, इस पे उम्मीद थी, आज वो बेटी मेरी बेटी नहीं, आज इसको मार दिया गया और इतनी बुरी तरह से मार दिया गया कि मैं बाप हूँ मुझसे कहता हूँ शर्म आ रही है। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ, आपका साथ होना चाहिए और आप उस मुकाम पर पहुँचा दो जो उसको फांसी हो जाए। मैं वाविया की मम्मी हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि जो निर्णय वकील हैं वो यहाँ आए और मेरी इस दास्तान को सुने और सब मेरे साथ मिलके मेरा साथ दें। ना ही मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ना मेरी कोई सुनवाई के दे रहा है कि न पुलिस वाले, ना कोई नहीं मेरा साथ दे रहा कि आप सब मेरे साथ दो, क्योंकि सबकी मेरी ये बेटी सब पूरे हिंदुस्तान की है अब तो, कि जब तक जिंदा थी जब तक मेरी जब अब तो पूरे हिंदुस्तान की है वो बेटी मेरी, कि जो भी है वो वकील यहाँ पे आए और मेरी ये दास्तान सुने और मेरे घर पे आके मुझसे पूछे तो सही, जो भी आते हैं पूछताछ के चले जाते हैं, कोई सुनवाई मेरी नहीं कर रहा, ना मेरी सुनवाई हो रही है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, कि क्या वजह है बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, जो मेरी सुनवाई हो ही नहीं रही है, गुमराह बिल्कुल हो रही है। तो मुझे यही इंसाफ है कि हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ सबके आगे कि मेरा साथ दो और मुझे इंसाफ दिलाओ कि जो लड़की की सीआईपी की जांच है वो करवाओ, सीबीआई की जांच है वो करवाओ आप, और मुझे इंसाफ दिलाओ कि उनको फांसी पे चढ़ाओ। मैं हाथ जोड़ के आपके सबके सामने माफ चाहती हूँ। आप बस मैं आप लोगों से बस मैं आप लोगों से इतना ही चाहूँगा, देखिए जो मेरी बहन के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, किसी बहन के साथ ना हो, किसी के साथ ना हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करेंगे तभी कुछ हो सकता है। देखिए दिल्ली सरकार ने ये मामला अपने अंडर लेने से मना कर दिया है, हरियाणा सरकार ने अपने, बीजेपी की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली है, बीजेपी के लोगों ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो ऐसा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी मरवाओ, क्योंकि जो बेटियां पढ़ रही हैं वही मर रही हैं। अगर वर्दी में रह के भी ये मेरी बहन को नहीं बचा सके, मेरी बहन नहीं बच सकी, तो कम से कम उसे न्याय तो दिला दो। अरे आप न्याय तो दिला सकते हो यार, मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे, न्याय तो दिला सकते हो, न्याय दिला दो और जितना हो सके मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि आप मामला जो है छोटे लेवल का नहीं है, बड़े लेवल का हो चुका है। आप लोग साथ दे रहे हैं, बस इसी तरह से आखिर तक साथ देते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत खबर आप सुन के हट जाए पीछे। कृपया किसी भी गलत खबर को आप ना माने, क्योंकि जो भी ये सच है हमने आप सब कुछ आपके सामने बता दिया है। और मैं दोबारा अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं मैं आपको दोबारा बता दूंगा, क्योंकि लड़की जो थी इस तरह से कोई नहीं थी, अभी 4 महीने उसको जॉब करते हुए, ठीक है, उसने अच्छे से मेहनत की, जामिया मिल्ला इस्लामिया से उसने पढ़ाई की है, वहाँ से बीए किया है, गाँव से पढ़ी हुई है, लड़की के माँ बाप मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, माँ ने दूसरों के माँ ने स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पास हुए, बर्तन मांजे हैं, बाप मजदूर है, भाई इस काबिल नहीं है बड़ा जो वो कुछ कर सके, मैं ही उसका भाई हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, ठीक है, छोटे भाई बहन इस काबिल नहीं है, बहुत छोटे हैं, वो कमाने वाली थी, माँ बाप का सहारा बनी, लेकिन अब सहारा ही छीन लिया, ठीक है कोई बात नहीं छीन लिया, लेकिन अब उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं आज ना एक बड़ा भाई तो हूँ मैं उसका, लेकिन बड़े भाई से ज़्यादा ना मैं आज एक मतलब ये समझ लीजिए कि झोली फैला के आपसे भिखारी की तरह ना भीख मांग रहा हूँ, कि मतलब मेरी बहन के लिए ना आप जो कर सकते हो वो करवा दीजिए, बस मतलब मैं मजबूर हूँ आज तक दूसरों के लिए मैं लड़ा हूँ, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम यहाँ अगर आप लोग साथ आओगे, खाली मुसलमान का ये केस नहीं है, अगर आप हिंदू मुस्लिम सब भाई मेरे साथ आओगे तो मदद मिल सकती है, क्योंकि देखिए इस केस को ना गुमराह किया जा रहा है, इस तरह से उलझाया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह से सब लोग आ रहे हैं। बस मेरी एक ही गुहार है कि निर्भया हत्याकांड में जो निर्भया के साथ हुआ था उस वक्त जो वकील थी उन तक मेरी बात पहुँचा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और जितना हो सके हम लोगों की मदद पहुँचाई जाए, ठीक है। और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई मंत्री कोई मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो कोई बात नहीं है, बस मैं इतना चाहूँगा कि राष्ट्रपति से हमें इच्छा मृत्यु मरने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इच्छा मृत्यु तो हम मर सकते हैं ना, फिर जब क्या करें, जब बेटी नहीं रही, रो रो के बुरा हाल है, जो आ रहा है वो पूछ रहा है, रोज एक बार बता रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, 5 दिन हो गए साहब,
आज दिन अभी कोई मंत्री है किसी के साथ ऐसा हो जाता ना तो यकीन मानो जड़ से ऊपर तो उखड़ जाता। साहब मदद करने की कृपा करें। और मेरे काशीपुर वालों, बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, काशीपुर तो मेरा अपना है, मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरे काशीपुर वालों, उत्तराखंड वालों, यूपी वालों, ये सब तो अपने हुए, ठीक है। परिवार यूपी का, मैं भी यूपी, उत्तराखंड दोनों, ठीक है, एक ही जगह है। आप लोगों से गुहार कर रहा हूँ, आप लोग सामने आ जाओ। बेटी आपकी थी, मर जीते जी तो वो हमारी थी क्योंकि हमें ही करना था, मरने के बाद वो आप लोगों की भी है, सबकी बन चुकी है, देश की बेटी बन चुकी है। राबिया का सहयोग दें, राबिया का साथ दें। देखिए जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, किसी के साथ ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। और ऐसा तभी होगा जब आप लोग सामने आओगे। केस को रोज़ ऐसे केस बनेंगे, रोज़ दफनाए जाएंगे, रोज़ बनेंगे, ये तभी रुक सकते हैं जब आप साथ दोगे।